हर घर की उपमा की एक अलग सी रेसिपी होती है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे घर की टमेटो उपमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी डॉटर का फेवरेट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। तो चलिए देखते हैं कि ये टैंगी अमेजिंग सी टमेटो उपमा मैंने कैसे बनाई है। सो टमेटो उपमा बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ पहले थोड़ा सा घी, हाफ अ टीस्पून जितना घी लेंगे। अब ये मेरे पास 1 टीस्पून उड़द दाल है। पहले हम ये उड़द दाल को एकदम मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर देंगे जब तक कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। दाल अभी थोड़ी थोड़ी गुलाबी कलर पकड़ने लगी है, बस यही टाइम पे थोड़े से मैं कच्चे वाले पीनट्स ऐड कर देती हूँ। 6 से 7 काजू टुकड़ों में कर लिए हैं हमने, वो ले लेते हैं। और अब मैं ऐड कर दूंगी 1.5 कप सूजी, इसको भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सूजी को मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट आपको ड्राई रोस्ट करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी उपमा बहुत अच्छी खिली खिली सी बनेगी। अब वापस से वही कढ़ाई में 1/2 टीस्पून में घी ले लेती हूँ। और अब ये घी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ राई 1 टीस्पून, एक चुटकी जितनी हींग ऐड करेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते, थोड़ी सी फ्रेश वाली मिर्ची और ये छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, ये भी ऐड कर देते हैं। अब जाएगा मीडियम साइज का प्याज, ऐड करते हैं नमक। उपमा के लिए प्याज को बहुत ज्यादा वो ग्रेवी की तरह भून भून के लाल नहीं करना है, बस हल्का सा टेंडर हो जाए उतना तक ही पकाना है। अब मैंने ऐड कर दिए हैं 3 टेबलस्पून जितने फ्रेश मटर। उपमा के अंदर आपको जो भी सब्जी अच्छी लगती है ना, वो सारी आप ऐड कर सकते हो। मैंने आज सिर्फ मटर और टमाटर के साथ मैं उपमा बना रही हूँ, पर आप चाहो तो गाजर, बीन्स, कॉलीफ्लावर कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब मटर भी हल्के हल्के से पक गए हैं, यही टाइम पे ये जो 3 टमाटर की मैंने प्यूरे बना दी थी मैं वो ऐड कर दूंगी। अब ये टमाटो की प्यूरी ऐड करके मैं इसको 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। बेसिकली मैंने टमेटो की प्यूरे इसलिए बनाई है कि कभी कभी जब टमाटर के टुकड़े हम करके चॉप करके ऐड कर देते हैं ना, तो उसके छिलके मुंह में आते हैं और कंगना को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने प्यूरे कर दी है। पर आप चाहो तो 3 टमाटर के टुकड़े करके भी ऐड कर सकते हो। अब टमेटोज तो पक चुके हैं, बस यही टाइम पे मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अभी रेशियो ऐसा होता है कि जितनी आप सूजी लो उससे डबल पानी लेना है, तो मैं यहाँ पे 3 कप पानी ऐड करूंगी। अब हमें वेट करना है कि जब तक पानी अच्छे से उबल जाए उसके बाद ही हम सूजी ऐड करेंगे। अब ये देखिए, ये टमेटो वाला पानी तो उबल गया है अच्छे से, यही टाइम पे ये जो सूजी हमने ड्राई रोस्ट करके रखी थी वो ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, सूजी ऐड करते ही आप तुरंत ही इसको मिक्स करना शुरू कर दीजिए, वरना कभी कभी लम्स आ जाते हैं। जस्ट बी केयरफुल, ये कभी कभी बबल्स होते हैं ना, तो हाथ भी जल सकता है। और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे अभी हम कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहेंगे और 5 मिनट में ही सूजी सारा पानी सोक कर लेगी। ये देखिए, सूजी ने तो सारा पानी सोक कर दिया है। बस यही टाइम पे मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर देती हूँ और मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच जितना घी, 1/2 टीस्पून जितना। और अब सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं और बस 2 मिनट ही स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। एक्चुअली मैं अभी ये टाइम पे ना ढक्कन लगा के हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और 5 मिनट छोड़ देते हैं ताकि उपमा थोड़ी सी खिली खिली सी बन जाए। गर्मा गर्म मज़ेदार सी उपमा रेडी है, अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। मैंने एक बोल लिया है जिसपे थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसके बेस में मैं थोड़े से काजू रख देती हूँ, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी मैं कहीं कहीं पे रख देती हूँ। और अब ये जो उपमा बनी है ये लेके हम बोल में डाल देंगे
और अब मैं ये प्लेट में उपमा को डीमोल्ड कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म टैंगी टमेटो उपमा, जिसको मैंने सर्व किया है कोकोनट चटनी के साथ। अमेजिंग उपमा है, सॉफ्ट भी है, सेम टाइम पे खिली खिली सी भी है, और माइल्ड जो टमेटो का टैंग है ना, अमेजिंग।